फिर सुहेल अहमद शाकर सर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्लि अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबियय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदकल्लाहुल अज़ीम। एक मुअर्रख ने एक किताब लिखी है, उस किताब अंदर उस बंदे ने दुनिया दे 10 अमीर तरीन लोगों का तज़किरा किया है। 10 अमीर तरीन लोगों की हालात ज़िंदगी नू उस बंदे ने बयान किया है। और 10 अमीर तरीन लोग ऐसे ने कि जिन्हों वर्गा जहान अंदर होर अमीर ही कोई, सब तो उच्चे लैवल दे 10 बंदे अमीर ने। उन्हें 10 अमीर दे विचों 7वें नंबर ते जड़ा बंदा है ना, उस बंदे दा उन्हें तज़किरा किया लिखदियां लिखदियां। जो इन अल्फाज से आया कायनात वाले आ जड़ा बंदा है ना, ये दुनिया का 7वां अमीर तरीन इंसान है। तो इस बंदे दी सेहत और तंदुरुस्ती का आलम ये वे कि बंदा 24 घंटे अंदर सिर्फ एक अद्ध पाइया दुध पी सकता। अल्लाह खैर ही करे। ये बंदा 24 घंटे अंदर, तुसी गल समझ रहे हो, ये बंदा 24 घंटे अंदर सिर्फ एक अद्ध पाइया दुध पी सकता। दुनिया का 7वां अमीर तरीन इंसान है। दौलत किसे काम नहीं, बैंक परे पे किसे काम नहीं। फिर उन्हें जिहड़ा 7वें तो उन्हें तीसरे बंदे का तज़किरा किया, मैं तीसरा बंदा जिक्र करा, फिर तुहानू नबी पाक की हदीस सुनावा, फिर तुहानू मैं अपने इत्थे खड़े होने का मकसद दसा, तुहाडे बैठन का मकसद दसा। मेरा तुहाडा वादा है जहाँ हाफिज़ साहब तशरीफ लै आएंगे इंशाल्लाह बात खत्म हो जाए। तीसरे नंबर का जिहड़ा अमीर तरीन बंदा, वैसे मैं अलहम्दुलिल्लाह ये 10 दे 10 बंदे मस्जिद अल बदर अंदर खुतबा जुमा अंदर पिछले साल सुना चुके। वो जिहड़ा तीसरा बंदा उन्हें जिक्र किया, वो बड़ा अजीब व गरीब वह तज़किरा उन्हें किया। उन्हें क्या बंदा दुनिया का तीसरा अमीर तरीन इंसान है। इस बंदे की दौलत अगर शुमार की जाए तो 2 बंदे इस तो उत्ते ने, बाकी सारा जहान ये तो थले वे, ये इतना अमीर है। लेकिन इस बंदे की सेहत का आलम ये वे, इस बंदे की तंदुरुस्ती का हाल ये वे, तवजो तवजो, इस बंदे की सेहत का हाल ये वे कि वह बंदा रोंदा है, कुरलांदा है, रौले पाता है। आओ कोई दुनिया का हकीम, कोई डॉक्टर, कोई तबीब, कोई मुआलज आए, कोई आके मेरी नब्ज़ चेक करे, मैनू दवाई दे, मेरे को मेरी सारी दौलत लै लै, मैं चिट्टे कागज़ ते सैन करके दौलत लिख के देन वास्ते तैयार हाँ। वो बंदा आके मेरे नाल सौदा करे, मेरे को मेरी जिंदगी दी सारी जमा पूंजी लै लै, मैनू मेरी जुबान का जायका वापस कर दे, मेरे कोल सब कुछ मौजूद है, मैनू खट्टे मिठे की पहचान नहीं। हूँ मैं सहीहुल बुखारी की हदीस पढ़ा, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद, फिर बोलो बाद नहीं आई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने मस्जिद नबी अंदर तशरीफ़ फरमा ने, सहाबा इकराम मौजूद ने। नबी पाक ने फरमाया मस्जिद नबी अंदर दीन दियां बातां जारी ने, मदीने गलबात जारी है। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया मस्जिद नबी अंदर बैठ के आका एक सवाल सहाबा इकराम दे सामने, या एक इतराज़ अपने उम्मतियां दे सामने रख रहे ने,
रख किथे रहने मस्जिद नबी अंदर मदीने शहर दी गल रवायत बुखारी अंदर गली होंदी मदीने दी टुरन दादा मजा आंदा गली मेरा नाँ नहीं ना लिखा तुसी ता नहीं बोल देते ना तो इंदा भी नहीं सी लिखा है इंज ना करो जरा मुहब्बत ना सजी बां खड़ी करके कहो सुभान अल्लाह तुसी जलसा सुनना आए हो कि दम कराउन आए एक बारी फिर कहो जरा हाँ तुसी बदर मस्जिद जुमा पढ़िया करो तो तुहानू पता लगे मौलवी किवें सुनी दे क्यों मिर्ज़ा साहब कहिंदे क्यों नहीं सुभान अल्लाह तुसी क्यों नहीं कहिंदे गली होंदी मदीने दी टुरन दादा मजा आंदा बाग होंदे मदीने दे फिरन दादा मजा आंदा लोकी चढ़दे ने मरी दे पहाड़ा ते नाले चढ़दे ने उच्चे मीनारा दे सीढ़ी होंदी बैतुल्ला दी चढ़न दादा मजा आंदा चलो जी नबी पाक ने फरमाया अलैहि सलातो वस्सलाम आका फरमांदे ने दो नेमतां ऐसियां ने नेमतानी मकबूज़ुन फीह कसीरुम मिनन्नास जड़ियां नेमतां बड़ियां कीमती ने जड़ियां नेमतां बड़ियां प्यारियां ने लेकिन मेरा इतराज़ ए वे कि अक्सर लोग इन्हां नेमतां दी कदर नहीं करदे वो नेमतां केड़ियां ने अस्सेहतु वल फराग एक नेमत दा नाम तंदुरुस्ती है दूसरी नेमत दा नाम वक्त है बंदे सेहत दी भी कदर नहीं करदे बंदे तंदुरुस्ती दी भी कदर नहीं करदे अज मालक ने अता फरमाई है अपने हत्थां पैरां ते सोहणे तरीके नाल जिंदगी गुजार रहे हां ते बंदे वक्त दी भी कदर नहीं करदे मालक ने अज सानू वक्त अता फरमाया है ये वक्त इतना कीमती है मेरे पैगंबर ने फरमाया आका फरमाते ने कयामत दा दिन होएगा कुछ लोग अल्लाह दी अदालत अंदर मुजरम गुनाहगार लोग इस कदर ज़्यादा रोणगे इस कदर रोणगे उन्हां दे अखां चो निकलने वाला पानी इतना ज़्यादा होएगा उहदे अंदर अगर कश्तियां भी रखियां जान ते चल जाणगियां इतना रोणगे अखां दा पानी मुक जाएगा उन्हां दियां अखां चो खून निकल आएगा कुरलाणगे हर तरला ते हर बस मारणगे लेकिन उन्हां दी गल ते गौर नहीं कीता जाएगा क्यों वो वक्त नहीं वो टाइम नहीं रोण दा इत्थे मेरे पैगंबर ने फरमाया आका फरमांदे ने रोण दा वल नहीं आंदा रोना नहीं आंदा कला बह के रोण वर्गा मूँह ही बना लिया कर रब तामी बेड़े पार कर दे वक्त अल्लाह ताला दी मेरा तो वादा सी आफ साहब जो आ गए सलाम अलैकुम।